वेलकम टू आवर चैनल LOL। थैंक यू सो मच सारे वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए। और सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ शूट पे। हर्ष का कॉल टाइम 10 बजे का था, गोला उठ गया था, ही कर रहा था। सो गोले का पासपोर्ट ही अप्लाई करना है, सो वो हम कल करेंगे अप्लाई। और होप सो जल्दी आ जाए तो मैं उसके साथ घूमने जा सकूँ। चलिए शूट पे मिलते हैं। और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज हमारा फेवरेट और बहुत बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमें डायरेक्ट कर रहा है। सो लोग मरते हैं कि वो उन्हें डायरेक्ट करे या उनकी फिल्मों में उन्हें चांस मिले। आज मुझे और हर्ष को मिला है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। सो मैं हर्ष के पास जाती हूँ और उसको पूछती हूँ। सो गाइस, मैंने जैसे बोला कि आज मैं और हर्ष बहुत खुश हैं। वो बंदा जिसके साथ काम करने के लिए लोग तरसते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता, मैं नाम नहीं बताऊंगी और हम बिल्कुल नाम नहीं बताएंगे, आज मुझे और हर्ष को मिला है उनके साथ काम करने का। वो हमें डायरेक्ट कर रहे हैं और इतनी खुशी मुझे। इट्स अ ग्रेट ग्रेट फीलिंग, और उससे ग्रेट फीलिंग मैं दिखाता हूँ। आज आवाज था मैं निकल नहीं पा रही। एक मिनट। बड़ी बोल रही थी, मैं तो पतली हो गई हूँ। मैं तो अरे भारती सिंह लॉस 20 kgs। ओह माय गॉड, कैसे? तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। लुक इज राइट, मैं सिर्फ मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहनता हूँ क्योंकि मेरा यही स्टाइल रहा है हमेशा से। या और ये रूपा की बनियान, क्या बात है, हमारे तो भैया घोड़े भाग गए। तो गाइस, हम आपको अपडेट देते रहेंगे, ये वीडियो मिस मत करना क्योंकि हम इस वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं, या फिर मूड देखूंगी मैं। अगर मेरा मूड हैप्पी हुआ तो मैं बताऊंगी कि हम क्या कर रहे हैं, अगर मेरा मूड हैप्पी नहीं हुआ तो मैं शायद ना भी बताऊं। मैं अपने अंडे खुद छीलता हूं गाइस। तुम्हारे अंडे नहीं है, ये मुर्गी के अंडे हैं। मैं अपने अंडे खुद ही छीलूंगा। सो गाइस, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। कभी भी आ सकते हैं लोग बुलाने के लिए कि आइए सेट पे, तो फिर मैं सेट पे जाऊंगी। और ये नया जो कौला लौंडा है ये भी जाएगा सेट पे, ठीक है? क्या इतनी खुश थी ऐसे? मैं बड़ी खुश हुई यार। जिसके साथ लोग सपने देखते हैं कि वो बंदे की फिल्म मिले, डायरेक्ट करे, आज हमको वो डायरेक्ट कर रहे हैं। बस मुझे ये है कि जब लोग वो चीज देखें तो मतलब अप्रिशिएट करें, ये ना हो कि ये करें। क्या कर दिया, अंडा फेंक दिया क्या, मजाक चल रहा है यहाँ पर? छोटी बच्ची हो क्या? बंद है ना, छीला हुआ छील के तो साफ ही होगा ना अंदर, जैसे हम केला ऐसे फेंक सकते हैं और छील के खा सकते हैं। सो मैं मिलवाती हूँ अली दादा से। अली दादा ये हर्ष के मेकअप करते हैं अली दादा, और हम सबसे अमीर है ये बंदा, हर्ष से भी ज्यादा। हर्ष के अगर 2 फ्लैट होंगे तो इनके 6 फ्लैट है। अली दादा का क्वालिफिकेशन पूछ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ कर। सच्ची पूछ दादा, बताओ आपका क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर इंटर सीए। और आपको पता है जिस आर्टिस्ट का आप मेकअप करते हैं उसकी स्टडी कितनी है? बताओ हर्ष। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 10 इयर्स। सॉरी क्या? 10 इयर्स। क्या 10 इयर्स? मतलब 10th तक। नहीं नहीं, मैं बता, 2 क्लास ज्यादा किया हर्ष ने, सिर्फ 12th पढ़ी है। और जो मेकअप करते हैं वो, अरे बाप रे। दादा आपको पता है आप सबके मेन मालिक ये हैं, एक तो ये बहुत पढ़े लिखे हैं और इनके 3-3, 4-4 फ्लैट है दादा। तो हाथ जोड़ो, बोलो मालिक। मालिक हाथ आप भी ऐसे कर दो, खैर जीते रहो, जीते रहो, पैसा कभी मत मांगना, बस जीते रहो। सो गाइस, आज हम जो शूट कर रहे हैं हम किसी को नहीं बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जिनके साथ कर रहे हैं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि लोग उनके साथ तरसते फिल्म करने को कि वो हमें अपनी फिल्म में ले। सच्ची बताओ कर तरसते ना लोग। सो गाइस, हमारा लंच ब्रेक हुआ है और मैं खा रही हूँ, और इसने मुझे पता क्या बोला है कि
कि मैं कहाँ बैठ कर खाऊं तेरी गोद में, मतलब इसका कहने का मतलब मैंने सारी जगह ले ली। तो मैंने बोला कि मैं अपना प्लेट लेके बाहर खाती हूँ वैनिटी के बाहर बैठ के। तो बोलता प्लीज वैनिटी के बाहर बैठ के खाने में क्या प्रॉब्लम है। एक तो पहले मुंह बंद करके बोलो, क्योंकि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको तुम्हारे अंदर के जो वो खीरा है ना वो करके मैं कान से बोलूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारती एक नंबर की यार। अच्छा मैं मेरे को बताइए, लाइए इधर और आप देख यहाँ देख सकते हैं ये लड्डू है और ये मेरा लड्डू है। अब तो मौजी सटक ली है। ये मुर्गा है और ये मेरा कबूतर है। सो गाइज अभी भारती आने वाली है और मेरे दिमाग में एक प्लान है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये है गम, ठीक है। अब ये गम है, ये कैसा लग रहा है ये गम लग रहा है। जा वीडियो बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे थे। क्या करने गई थी पॉटिंग, क्योंकि वैनिटी हिली ऐसा ऐसे जब भी करते हैं ना। इतनी गंदी चीजें नहीं अच्छी है लगती लोगों को। So guys, क्या है व्लॉग बन रहा है तो क्या मैं अपनी जिंदगी ना जीऊं? ये गम है, ये नाक नहीं है। ये गम है, अरे ये गम है। उतार, मुझे नहीं पता। अरे ये गम है भाई, गम है। अरे गम है। देख रहे हो दोस्तों ये कितना गंदा है यार। मैंने खुद देखा तुझे नाक पे यार। अच्छा एक मिनट, ये क्या है? ये देखो, ये क्या नाक लग रही है आपको? नहीं नहीं भाई, इसके यार कितना गंदा है हर्ष लिम्बाजिया। मैं आप सबको बताता हूँ उसको प्रैंक करने के लिए। सबसे पहले ऐसा कोई गम लीजिए जो लगे आपको कि शरेआम आदमी को गिन आ जाएगी। शी यार ये इतनी बदतमीजी कोई नहीं कर सकता। यार गाइस नहीं नहीं ये ये होता है कि जब पकड़े जाओ फिर गम का लगा दो बहाना। तो ये हर्ष ने ये किया। प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ ये मत कीजिए। गम नहीं था वो, नाक थी, तेरे मुंह पे लगा दिया। जा जो होता है वो कर लेगा, या शादी तो हो गई है ना, आप क्या कर लेंगे। ये हरकतें मैं शादी से पहले करता तो शायद तो मना कर देती, लेकिन मैंने अपने असली रंग तुझे अभी दिखाना स्टार्ट किया। देखा इसके शौक, औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है दोस्तों। इसके शौक देखे, मेरे जूते ट्राई कर रहा है। शौक नहीं है गाइस, इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी। मैं एक क्यूरियस इंसान हूँ और क्यूरियस इंसान होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं नई नई चीजें ट्राई करूँ। जैसे ये अब ये पहनने में, वैसे तो औरतें इतना चिल्लाती रहती है बराबरी। आज जब मैं बराबरी कर रहा हूँ तो इस औरत को हंसी आ रही है। तो मैंने भी तेरी बराबरी कर ली। क्या जी ये है? यस दैट्स अस, यू मी वन डे। जी बड़ा ही बदतमीजी है भारती। फाइनली पैकअप हो चुका है और नूर ने मेरे बालों में तेल लगा दिया है। थैंक यू नूर, कुछ बोल तो सही। नहीं बोल, कुछ बोल के शुक्रिया या वेलकम। शुक्रिया। शुक्रिया में सर नहीं आता था ना, एस एच आता। शुक्रिया। इसका नाम क्या है दूसरी लड़की का? ना। क्या नाम है? बोल ना। सना। सब लोग मुझे सना कहते हैं। सो गाइस पैकअप हो गया है और नूर मेरे बालों पे तेल लगा रही है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। हर्ष का पैकअप होने वाला है 10 मिनट में, तब तक मैं तेल लगा लूँ, वरना उसका अगर पैकअप हो जाता तो वो मुझे ऐसे ही बोलता चल 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 चल। मुन्ना सर का पैकअप हुआ? नहीं अभी नहीं। तो इसमें हंसने की क्या बात थी? हंसता ही रहता है। इसका नाम मुन्ना नहीं, हसमुख है, हसमुख।
सो गाइस रात को वीडियो ही नहीं बना पाई पैकअप के बाद घर आके वापस, बट अब सुबह हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है कि कल का काम बहुत 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 अच्छा हुआ और हम भी बहुत खुश हैं और गोला भी बहुत खुश है। सो थैंक यू सो मच हमारे सारे वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, है ना। हमें तो नींद आ गई है, कल सारा दिन हमने शूट किया था, मम्मी पापा ने तो कुछ नहीं किया, है ना। थैंक यू सो मच गाइज, अगली वीडियो में मिलते हैं मस्ती और धमाल के साथ, लॉट्स ऑफ लव, बाय गोलेश, बाय।